नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सलील अंकोला की मां की लाश पुणे में उनके फ्लैट में मिली है। पुलिस के मुताबिक गले में जख्म के निशान है। घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं है। पुलिस जांच कर रही है यह हत्या मामला का है या उन्होंने खुद अपने गले पर वार कर आत्महत्या की है। पुलिस इस मामले में सीनियर एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की राय ले रही है। पुणे के डेकन इलाके में 14 नवंबर इमारत में माला अंकोला अकेली रहती थी। वह 77 साल की थी। घर पर जब नौकरानी पहुंची तो घटना सामने आई। फेसबुक पोस्ट पर पूर्व क्रिकेटर ने अपनी मां की तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें विदाई दी। उन्होंने लिखा, अलविदा मां। सलील अंकोला बतौर तेज गेंदबाज क्रिकेट के मैदान में उतरा करते थे। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने महाराष्ट्र और मुंबई के लिए रणजी मैच खेले। अपने करियर में उन्होंने फर्स्ट क्लास के 54 मैच खेले। क्रिकेटर करियर में उन्होंने अपने कुल 251 विकेट अपने नाम किए। सलील अंकोला ने 1997 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। क्रिकेट से संन्यास लेने के दौरान उनकी उम्र 27 साल के करीब थी। सलील ने महाराष्ट्र के साथ अपने क्रिकेट लाइफ की शुरुआत की थी। साल 1989 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में डेब्यू किया था। अंकोला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का भी हिस्सा बने थे। उन्होंने साल 1996 में वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। क्रिकेट से संन्यास लेने और फिर इस क्षेत्र में करियर खत्म होने के बाद सलील अंकोला ने अभिनय की दुनिया में भी हाथ आजमाया। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में एक्टिंग की है। इसके साथ ही उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी कदम रखा और कुछ धारावाहिकों में काम कर एक्टिंग की अपनी प्रतिभा को निखारने की कोशिश की। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।